हंगामे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अजमेर से ये तस्वीरें हैं, कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये इतना हंगामा किस बात का? जी देखिए, ये सब कुछ बड़ा अजीबो करीब घटनाक्रम रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाहियां थी वो यहाँ पे रही। वार्ड नंबर 66 में जो भारतीय जनता पार्टी के नीरज जैन जो प्रत्याशी थे वो एक वोट से यहाँ से जीते थे। अब वो जीतने के बाद जो सामने वाले कांग्रेस के संबंधित गणेश जो थे उन्होंने उस टाइम कहा कि कोई आपत्ति मेरी तरफ से दर्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद ये तुरंत आपत्ति वाली बात आई। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा अभी जो रूम है इसके अंदर हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और अनिता बघेल विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद है। इन सभी का यह कहना था कि इसका परिणाम देरी जान करके देरी की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो आरोप थे वो लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ की जा रही है। और स्थिति ये है कि जो हाले से भी जो स्थिति है वो संभल नहीं पा रही। हालांकि निर्वाचन अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को भी यहाँ पर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और भी जो वरिष्ठ अधिकारियों को होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। असिस्टेंट कलेक्टर जरूर यहाँ पर आए, वो एक पूरी स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है जिसमें वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अन्य सभी कक्षों में से जो जीतने वाले कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं या उनको जो लेटर है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन इसी एक कक्ष के अंदर ये जो प्रक्रिया थी ये पिछले एक घंटे से जारी है। और लगातार नीरज जैन यहाँ पर 4 बार आके अपनी बात रख चुके कि आप जो भी है स्थिति वो मुझे बताएं, लेकिन वो ऐसी बात कुछ नहीं हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हंगामा बरपा। हमने हमारे दर्शकों को दिखाया कि अंदर आपस में घुटन घुटा हो गए। नीरज जैन ने जो आपत्ति दर्ज कराने आए थे गणेश राम के पुत्र, उनके साथ धक्का मुक्की की और बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। यहाँ पर सभी स्थिति जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन तीरथ लगातार जो तस्वीरें है यहाँ से दिखा रहे हैं। जी कौशल, लेकिन जीत हार तो तय हो चुकी, परिणाम सामने आ चुके, इसके बाद इतनी धक्का मुक्की क्यों, ऐसा झगड़ा क्यों, ऐसा विवाद क्यों, कि हंगामा इस कदर हो गया कि तस्वीरें देखने लायक नहीं है, सब आपस में उलझे हुए। जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि 66 नंबर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं नीरज जैन बीजेपी से और गणेश राम कांग्रेस से, यहाँ पर जो जीत का अंतर है वो मात्र एक वोट का रहा है। एक वोट के अंतर पर पहले तो आपत्ति दर्ज नहीं की कि बाद में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज की जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर लगभग एक घंटे का समय जो व्यतीत होना है वो बताया जा रहा था, तो ये एक घंटे की जो टाइम मार्जिन रहा है, एक घंटे का जो अंतराल रहा है, यही कहीं ना कहीं हंगामे की वजह बना और यही कारण रहा कि यहाँ पे हंगामा बरपा है। यहाँ पे मारपीट की नौबत भी आ चुकी है, 2-3 बार धक्का मुक्की हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे कैमरा पर्सन तीरथ है वो यहाँ की जो ताजा तस्वीरें हैं सबसे पहले हम उनको दिखा पा रहे हैं। जी लेकिन कौशल, अब फैसला क्या, एक वोट का अंतर था तो क्या वो रिकाउंटिंग कराना चाह रहे हैं? देखिए, अब कुछ ना कुछ कुल मिला के जब स्थितियां ऐसी हुई तो अब कहीं ना कहीं जो बात है वो सामने आई और आखिर नीरज जैन को जीता हुआ घोषित करते हुए यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये पूरे जो सिनेरियो बना कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही या कमी जो कही जाएगी वही यहाँ पर रहा। अगर यही जो पहले अब किया गया है यही स्थितियों को पहले किया जाता या पहले निर्णय दे दिया जाता या पहले सब कुछ होता हालात नहीं बनते, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई जो स्थिति है वो देखने लायक है, पैनिक है। अभी जब तक भीड़ सुरक्षित यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती तब तक माना जाएगा कि कभी भी कोई जो घटनाक्रम है वो वापस घट सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी कैसे स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा भीड़, पुलिस भी मौजूद है, कैसे इन्हें हटाया जा रहा है, क्या कोशिश वहां पर की जा रही है? कौशल जी देखिए, अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया नीरज जैन को और नीरज जैन के साथ जो उसके समर्थक आए थे इनमें बीजेपी की विधायक अनिता बघेल भी मौजूद थी और इस टाइम अब विधायक देवनानी, वासुदेव देवनानी वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब आने के बाद में जो मामला है लग रहा है अब सामान्य सा हो जाएगा और